वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सुपरबग टाइफाइड के हवाले से कि बेसिकली ये क्या बीमारी है, इसके सिम्टम्स क्या है, वजूहत क्या है, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आफताब शेख जो कि जनरल फिजिशियन है, उसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर हैं बिलाल चौधरी, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले जो डॉक्टर आफताब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये सुपरबग टाइफाइड की बात कीजिए, ये बेसिकली है क्या? ओरिजिनली टाइफाइड कोई नई बीमारी नहीं है, ये सैकड़ों हजारों साल से एंडेमिक एरिया ही हमारा बर सगीर, इसमें हर साल आप सोचें कि 30 लाख लोगों को ये बीमारी होती है और तकरीबन 2 लाख बच्चे 2-2.5 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र के इसमें उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में लाखों में इसकी डेथ्स हैं। हालांकि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, बड़ी आसानी से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और सैनिटेशन नहीं है लोगों में, वो वजह है। उसके अलावा साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा और उसके अलावा जो गंदी चीज़ें बाजार से खाते हैं उन सब चीज़ों की वजह से। अच्छा, इन दोनों में जो टाइफाइड है बेसिकली वो तो आम पब्लिक की समझ में है, सुपरबग टाइफाइड, टाइफाइड में डिफरेंस क्या है? अच्छा, ऐसा है कि टाइफाइड इज कॉज बाई ये साल्मोनेला टाइफी, एक जरासीम है उसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। जो लोग जो यहाँ से हमारे गए हैं लोग ट्रेवलर्स, जाके इंग्लैंड में भी गए, वहाँ पे भी जाके टाइफाइड ये हुआ और यहाँ भी हुआ, तो जब तहकीक हुई तो पता लगा कि जो इसका जो जरासीम है उसकी म्यूटेशन हो गई, ठीक है, और उसमें ऐसी चीज़ें, एक डीएनए का ऐसा पार्ट शामिल हो गया जो कि आम एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको सुपर बग का नाम दे दिया गया, अदरवाइज जरासीम वही सेम है। टाइफाइड इसकी वजूहत और इसके सिम्टम्स दोनों, अगर हम इसके सिम्टम्स में तो ये चीज़ आती है कि आपको पहले तो टाइफाइड में जो बड़ा कन्वेंशनल था ना कि स्टेप लैडर पैटर्न होता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके बुखार आहिस्ता आहिस्ता दिनों में तेज़ होता है, तो आजकल क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं तो आजकल वो वाले पैटर्न देखने में नहीं आते, लेकिन फीवर जो अनकंट्रोलेबल होता है, फिर पेट की दर्द की मरीज शिकायत करता है, उल्टियाँ, वॉमिटिंग और ये इसके साथ हेडेक्स होती हैं और फिर भूख शूख ख़त्म हो जाती है, इस तरह के सिम्टम्स इसके टाइफाइड के होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कोई अलहदा सिम्टम्स नहीं है, ये वही कन्वेंशनल सिम्टम्स हैं जो कि हमेशा से होते तो रहे। इसका मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनको ये वाला टाइफाइड है या सिंपल टाइफाइड जो आम रूटीन में जी, होता जी, है, तो उस हवाले से अवेयरनेस के लिए क्या एकदम अवेयरनेस जो है ना उसका देखिए, एक तो पहले ये पता नहीं लग सकता जब तक कि उसकी तहकीक ना की जाए, उसको अलहदा टेस्ट ना किए जाएं। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि टाइफाइड के जो टेस्ट हमारे होते हैं जिसको विडॉल टेस्ट कहते हैं या टाइफी डॉट वगैरह जो कहते हैं टेस्ट होते हैं, वो दुनिया में अब कंडम हो चुके हैं। अब जो है ब्लड कल्चर्स लेते हैं, स्टूल कल्चर्स लेते हैं, बहुत जो बुक्स रिकमेंड करती हैं, और पाकिस्तान में अभी वही पुराने टेस्ट हो रहे हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। अच्छा। जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस भी नहीं हो सकता, तो प्रॉपर ये निकाल के जो बग है उसको निकाला जाए, उसको देखा जाए कि ये सिंपल वो है या जो सुपर बग है वो है, तो तभी हो सकती बात, ये हमारे अभी तक मुल्क में इतना हुआ नहीं, ठीक हो गया। अच्छा बिलाल, आपकी जानिब आऊंगी, सुपर बग टाइफाइड की बात करें तो इस तरह की कई बीमारियां, लेकिन इसके हवाले से जैसे भी अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हॉस्पिटल्स में किस तरह की फैसिलिटीज हैं, क्योंकि आप हेल्थ की बीट को भी देखते हैं। देखिए अनमिला, ये सबसे पहले डॉक्टर साहब की बात जो कर रहे हैं सुपर बग जो टाइफाइड है इसके हवाले से, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ ये सारे थ्रू कैरियर के तौर पर हमारे आती हैं, और अभी तक लाहौर में इसके जो केसेज हैं वो बहुत रेयर हैं, ये बेसिकली कराची में अपीयर हुआ है और कराची में ही इसके, हाँ जी, उधर से ही इसके केसेस आने शुरू हुए। इसी तरह हम दिग्गज जो वायरसेस की बात करते हैं, ज़का वायरस है, वो भी कराची में ही सबसे पहले पाकिस्तान में कराची में ही आया। इसी तरह स्वाइन फ्लू था, वो भी वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो कराची में अपीयर हुआ। तो ये सारे ये करियर होते हैं जब लोग ट्रैवलिंग करते हैं एम्पायर से के ममालिक से, अफ्रीका से या कहीं से भी जहां ये वायरस होता है वहां से जब लोग ये आते हैं, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट्स पे चेकिंग किसी भी किस्म की नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि वहां पे भी जो है वो चेकिंग होनी चाहिए और थ्रू जो है वो जितने भी इनके बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो करवाने के बाद इनको इन आउट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें डिफरेंस क्या है और इसको किस तरह वो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो इसके लिए जब तक, क्योंकि आम जो सिंपल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता चलता ये टाइफाइड है या सुपर बग है जब तक कि इसके बकायदा तौर पे टेस्ट ना हो जाए। जिस तरह आफ्ताब इकबाल शेख साहब ने कहा कि अभी तक हम वही टाइफाइड का जो कन्वेंशनल जो टेस्ट है यूजुअली हम जाते हैं, वो मुझे भी पता, विडॉल टेस्ट लिख के दे देते हैं, टाइफाइड का दे देते हैं, दूसरे जो कल्चर टेस्ट हैं या स्टूल टेस्ट हैं वो बहुत रेयर हैं,
वो करवाती ना अस्पतालों में वो होते हैं, ये जितने भी कल्चरल के जो स्टूल टेस्ट है मोस्टली आप प्राइवेट लेबॉरेटरीज में करवा सकते हैं। आप किसी भी जो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके आप ये कहेंगे कि नहीं 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 अभी विड्रॉल ही करवा लो, विड्रॉल में पता चल जाए, लेकिन उसमें अब क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं वहाँ पे, अब जो जरासीम है ना वो बड़े एक्टिव हो चुके हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक हो गया, अब वो उसी तरह उनका पता नहीं चलता कि अब किस तरह उनको जो है वो हॉस्पिटल्स की बात बिलाल करें, किस तरह की फैसिलिटीज है हॉस्पिटल्स में। जो फैसिलिटीज है अर्मिला, जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है, लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। हम ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, हमारे पास फैसिलिटीज वेरी लिमिटेड हैं, बड़े जो है वो रिसोर्सेज बड़े महदूद हैं। तो उसके लिए हम जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे किस तरह आप या प्रिवेंशन पे काम नहीं करेंगे बीमारियों की रोकथाम के हवाले से, तो हम अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। ये पिछले दिनों महकमा सेहत कार्ड के हवाले से बात हुई, वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कह रही थी कि हमने जो सेहत कार्ड उन्होंने बनाया है 7,20,000 रुपये पर ईयर का उन्होंने रखा है वहाँ पे, अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पूरी कौम को भी दे देंगे, फिर भी जितना हमारा बजट है पाकिस्तान का सारा सेहत पे लगा दे फिर भी ये नाकाफ़ी है, क्योंकि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी, प्रिवेंशन पे काम नहीं किया जाएगा, लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, लोगों को पता नहीं बताया नहीं जाएगा कि जनाब खाने से पहले अपने हाथ धोना है, ये इतना एक अहम स्टेप है कि आप सिर्फ खाने से पहले आप हाथ धो लेना, ये टाइफाइड ये स्टॉमिक की जितनी भी अपसेट होती हैं, जितनी भी बीमारियाँ, आप बेशतर बीमारियों से आप जो है ये महफूज रह सकते हैं। लोग नहीं करते, लोग हाथ धोना पसंद नहीं करते। उसी के अलावा ठीक है बिलाल, मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, जिस तरह भी बिलाल कह रहे हैं कि ये हाथ ना धोने की प्रैक्टिस भी काम है, इसके अलावा भी पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है, लोग इस तरह से बच्चों में या बड़ों में इसकी इंटेंसिटी किसमें ज्यादा है? बच्चों में ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है, क्योंकि पानी के जो माँ बाप ने उसने देना है तो बच्चे ने वही पीना, खुद अपने लिए बंदा फिर भी कोई ध्यान कर लेता है तो बच्चे को दे रहे होते हैं लोग, और अनपढ़ जाहिल लोग हैं बिल्कुल ऐसी जगहों से, वो आप देखते हैं कि पानी में बहुत दफा में देखा मिक्सिंग्स हो रही है, बॉईल कर लिया जाए जी, तो बहुत सारी बीमारियां ओरिजिनली इसमें हिदायत ये दी जाती कि जहां पे ये एंडेमिक है भाई सब लोग पानी बॉईल करके पिए, सब्जियां और फल धो के खाएं और कच्ची मत इस्तेमाल करें। जिस तरह आप देखते ना दूध को पास्टराइजेशन करते हैं, हम उबालते हैं तो दूध में से बहुत सारे जरासीम निकल जाते हैं, इस तरह ये होता है। अच्छा एम डी, इसमें मैं एक बताना चाहता हूँ सुपर बग को, इसको XDR टाइफाइड भी कहते हैं, यानी एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, इसका नाम XDR भी है, लोगों ने MDR भी कहा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड, जिस तरह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है। यार मतलब ये डॉक्टर साहब बड़ी प्यारी एक बात करी है ड्रग रेजिस्टेंस की, वो ये क्यों होती है, ये इस वजह से होती है जब हम सेल्फ प्रैक्टिस सेल्फ मेडिसिन के तौर पर जाते हैं ना, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे मैं जाऊँगा किसी फार्मेसी में या किसी आम डॉक्टर्स के पास, वो जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक ले देंगे। एंटीबायोटिक ये इसको एशिया में ना, एशिया में ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक की मंडी है दुनिया में एक साइड पे, और एशिया में एक साइड पे जितनी पूरी एशिया में एंटीबॉडी यूज होती है उतनी पूरी दुनिया में नहीं होती, और लिटरली बाहर के डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देने से पहले को हजार बार सोचते हैं और उसके लिए आपका इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, यहाँ तो हम नीम कीम खतरा है जान बिल्कुल यहाँ में। उसमें एक चीज देखिए ना बड़ी मुश्किल ये भी है, अगर लाख डॉक्टर काम कर रहा है तो 2.5 लाख क्वैक भी काम कर रहे हैं, हकीम भी काम कर रहे हैं, होम्योपैथ भी काम कर रहे हैं, सब एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं बड़े इत्मीनान के साथ एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं। पाकिस्तान में यही मसाइल है कि ये काउंटर सेल्स जो है ना बंद की जाए, ओवर द काउंटर आप जाते हैं मेडिसिन मांगते हैं वो आपको दे देता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आपको एंटीबायोटिक्स मिल जाती हैं। अगर आपको लगता है आपका गला खराब है, आपको कफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप जाएंगे आप उसे कहेंगे वो आपको एंटीबायोटिक दे देगा, रेजिस्टेंस उसी तरह से डेवलप होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर द काउंटर आप तो बाहर भी मिलना शुरू हो गई, लेकिन वो ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर, या मुझे चेस्ट इन्फेक्शन में अगर मुझे सिप्रोफ्लोक्सासिन खा लूं या मैं सेफिक्साइम खा लूं तो मुझे, मेरे पास तो जो है बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज है ना, जब तक हम कंसर्न डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे या जो उस चीज़ का जो स्पेशलाइज है उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमें बताएगा कि इसकी डोज क्या है, आपने इसको किस तरह लेनी है, कितने दिन खानी है। एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर आपको 5 दिन रिकमेंड करता है और आप 2 दिन खा के 3 दिन खा के भी छोड़ देंगे ना, वो भी फिर बल्कि वो ज़्यादा अटैक्स होते हैं, जरासीम ज़्यादा पावर के साथ आते हैं, 3-4 दिन बाद आप फिर बीमार हो जाएंगे। ये इसी चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी की वजह से आगे बीमारियां बढ़ती हैं। सिंपल जो बुखार है वो भी टाइफाइड में इसी तरह कन्वर्ट होता है, जो टाइफाइड होता है वो, क्योंकि हम आम बुखार को इजी ले लेते हैं, उसकी हम जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करते, हल्की बुल्की मेडिसिन खा लेते हैं।
اچھا یہ ٹائیفائڈ کی ڈاکٹر صاحب یہ ٹائیفائڈ کی بھی سنگین شکل اختیار کر جاتا ہے سمٹائمز بہت دفعہ اس کے بھی تو سائیڈ افیکٹس ہوں گے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی اس کے بہت سائیڈ افیکٹس ہیں ٹائیفائڈ کے ساتھ پھر جب یہ آپ بہت زیادہ تو اس میں مختلف اور بیماریاں بھی ساتھ حملہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ کمپلیکیشنز بہت ساری پیدا ہو سکتی ہیں اس میں جس میں بے شمار ڈیتھس ہو جاتی ہیں ڈیلیریم ہو جاتا ہے اس طرح کی آرگنز پہ امپیکٹ آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ کسی کو ٹائیفائڈ ہے اور وہ بہت سویئر ہو جائے کس طرح اس میں عام طور پہ پرفوریشن ہو سکتی ہے یہ انتڑیوں میں ہوتا ہے نا ٹائیفائڈ انتڑیوں میں تو پرفوریشن ہو کے پیریٹونائٹس ہو سکتا ہے اور پیٹ کے اندر وہ سارا میٹیریل جا سکتا ہے اس سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں پھر آگے پیریٹونائٹس اس میں پرفوریشن بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب اب ہم ہاسپٹل کی جیسے بلال بھی بات کر رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے سچویشن جتنی ہیں اویئرنیس کے علاوہ بھی پراپر ٹریٹمنٹس سرکاری ہاسپٹلس کی بات کیجیے وہاں پر فوری طور پہ اویلیبل ہونا میں یہی گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے میں ان کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ ایسٹیمیٹ کریں پاکستان میں بیماریاں کیا کیا ہیں مین بیماریاں کیا کیا ہیں اس کا سارا لوڈ دیکھا جائے اوریجنلی ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں اسپتال میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہسپتال میں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا آپ نے کبھی اسپتالوں کا حال دیکھا ہے ایک ایک بیڈ پہ پانچ پانچ لوگ ہیں آپ جب تک انفراسٹرکچر کو اچھا نہیں بنائیں گے کہ انفراسٹرکچر میں ہی مریضوں کو بہترین علاج مل جائے اور مریضوں کو اسپتال جانے کی ضرورت نہ پڑے اسپتالوں کا لوڈ کبھی کم نہیں ہوگا آپ چاہے 50 اسپتال اور بنا لیں پاکستان کا سارا بجٹ لگا کے اسپتال بنا لیں اسپتالوں میں لوڈ کم نہیں ہو سکتا باہر کے ملکوں نے کیا کیا انہوں نے ایک چینج لائے کہ انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر جو جنرل فزیشینس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا ان کو پڑھایا ان کے کالجز قائم کیے ان کو بہترین ڈاکٹر بنایا اور سب کو پابند کر دیا کہ ہر شخص پہلے جنرل فزیشین کے پاس جائے گا پھر وہ اس میں ریڈ فلیگ سائنس دیکھے گا خطرے کے سائنس دیکھے گا تو پھر وہ اسپیشلسٹ کو ریفر کرے گا اور پھر وہ اسپتال جائے گا یہاں تو ہر آدمی منہ اٹھائے سیدھا اسپتال کوئی نزلہ سمپل نزلے والا بھی اور ایک جو کینسر والا بھی ہے وہ ٹرمینل اسٹیج میں ہے وہ بھی اسپتال تو نتیجتاً اتنا گڑ بانڈ ہو جاتا ہے اتنی خرابیاں پیدا ہوگی کہ اسپتالوں میں صحیح طرح سروس آپ دے ہی نہیں پاتے بیچارے مجھے رحم آتا ہے بیچارے ڈاکٹرز پہ وہ وہاں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں اتنے زیادہ اگر ایک ایک ڈاکٹر اور 50-50 مریض ہیں وہ کیسے ڈیل کرے گا تو یہ وجہ ہے کہ اس کو سسٹم کو چینج کرنا گورنمنٹ اور آپ کی گورنمنٹ کی بات کیجیے تو فیسلٹیز تو دونوں تینوز میں ابھی تو ابھی تو دیکھیں یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو پلان کریں گے پلان کر کے سارے بیسکس کو ٹھیک کریں گے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے ان کو اپ گریڈ کریں گے جس طرح کہ انگلینڈ نے آج سے 60 سال پہلے کر لیا تھا اور 60 سال پہلے کرنے سے آج ان کی ایوریج ایج ماشاء اللہ 81 اور 83 پہنچ گئے عورتوں اور مردوں میں اور وہ بھی بہت ایکٹیو لائف سٹائل کے ساتھ اور پاکستان میں ابھی اس سے بہت نیچے ہم جب انفراسٹرکچر بہتر کر لیں گے اور ساری بیماریوں کو اپنا لوڈ مین لوڈ جو ہمارا مین لوڈ کیا بھی آپ کو وہ بھی میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان میں جو 10 مین بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ مدر اینڈ چائلڈ کی پھر اس کے سب سے زیادہ نمبر 1 ہے پاکستان میں ڈیتھس میں مورٹیلٹی میں مدر اینڈ چائلڈ مورٹیلٹی میں پھر اس کے بعد بچوں کی جو ڈائریاز ہیں گیسٹرو کی بیماریاں ہیں بچوں کی سانس کی بیماریاں ہیں اس کے علاوہ آپ کی یہ جو بلڈ پریشر ہے ڈائبٹیز ہے ہیپیٹائٹس ہے ڈینگی ہے ملیریا ہے ٹائیفائڈ ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں بہت ساری وہ اور پاکستان میں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پریونشن اسکیم نہ ہونے کی وجہ سے یہی بیماریوں سے لوگ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال ٹھیک ہو گیا اچھا جی بلال ابھی وہی بات جیسے پچھلے گورنمنٹ کی جانب بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ہیلتھ پرائیورٹی میں شامل نہیں تھا اور صبح ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ جب اپنے علاج کی باری آئی تو ہم سرکاری ہاسپٹلس کو بھی پریفر نہیں کر رہے ہیں اتنا آدمی اطمینان ہے ہمیں چیزوں پہ اس طرح کی ٹائیفائڈ ہو گیسٹرو ہو کسی بھی طرح کی پرابلم آتی ہے ایک دم سے آتی ہے لوڈ آتا ہے پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی اینڈ میں ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری کیجوئلٹیز ہوتی ہیں اقدامات کیا ہیں بالکل ارملا یہ بڑی اہم یہ بات ہے کہ ہم جب بھی ہسپتالوں میں جاتے ہیں یہ جب اس طرح کی ہم بیماریاں لے کے جاتے ہیں نا تو ان کو صرف ایمرجنسی میں تو کیٹر ہی نہیں کیا جاتا اگر کسی کو پتا چلے اچھا اس کو ڈائریا ہے یا اس کو ٹائیفائڈ ہے اس کو ایک ڈرپ لگا کے نا اس کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے یہ اس کو بھی مکمل نرسنگ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی مکمل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ صرف موسٹلی پیشنٹس کو او پی ڈی میں بھجوایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو میڈیسن لے کے اس کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا جاتا ہے لیکن یہ پھر بات وہی آتی ہے کہ جب تک یہ وہ پیشنٹ ہے جنہیں جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹلس میں نہیں ریفر کرنا چاہیے ان کا علاج جو ہے یہ جو سیکنڈری لیول ہے یا جو پرائمری لیول ہے وہاں بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل فزیشنز ہیں جو کہ ڈاکٹرز جو عام جو ایریا میں جو محلوں میں بیٹھتے ہیں
उनके पास इनका ट्रीट होना चाहिए। जब लोड बढ़ता है टीचिंग हॉस्पिटल में, छोटे छोटे पेशेंट्स भी जाते हैं नजर जुकाम खांसी बुखार या टाइफाइड के, तो फिर उसको डॉक्टर जो है ये इनको उस तरह नहीं लेते जिस तरह दूसरे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको लेना चाहिए। इन पेशेंट्स की वजह से जो प्रेफरेंस है, जो उन पर अटेंशन देनी पड़ती है, वो भी फिर डाइवर्ट हो जाती है, लोड बढ़ जाता है, वो फिर ये जो है ये बस से बाहर हो जाता है। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या इकदाम है, गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट है इन्होंने भी 10 साल हुकूमत की खासकर पंजाब में, तो आप देख लें इकदाम क्या है। ये मियाँ साहब आए थे सर्विसेज हॉस्पिटल में, उन्हीं की जानिब से शिकवा किया जा रहा था कार्डिक वार्ड नहीं है, अभी किसने बनानी थी। अब कैंसर हॉस्पिटल है, अभी लाहौर में सरकारी सतह पे पूरे पंजाब में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। एक जो दिल का हॉस्पिटल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये एक हॉस्पिटल, इसमें पाकिस्तान भर से इसमें लोग आके अपना इलाज कराते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा 5 सिर्फ हॉस्पिटल रह गए हैं, और ये इनमें से 5 सिर्फ वही हॉस्पिटल है, सिर्फ एक जिना हॉस्पिटल 90s के दहाई में बना था और PIC फिर उसके बाद दिल वाला बना, और इसके अलावा बकाया जो 4-5 बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं ना, ये बहुत एक अरसा पहले के पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले के ये बने हुए हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, ये मियो हॉस्पिटल हो गया, अपग्रेड नहीं किया गया ना, अब अपग्रेड उस तरह नहीं किया गया जिस तरह उनको करना चाहिए था। अब ये जाते हैं नए हॉस्पिटल्स बनाने में, जब जो फैसिलिटीज आपके पास है अगर इसको अपग्रेड कर दिया जाए तो हम बहुत अच्छा एक सिस्टम जो है वो चला सकते हैं और लोगों को वहाँ पे वो फैसिलिटीज दे सकते हैं। फैक्टर ये भी है, अपग्रेड भी कर लें जो भी कर लें, हमारी पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, हम पूरी दुनिया में आप हैरान होंगे सुन के, पाकिस्तान नंबर 1 है पूरी दुनिया में पॉपुलेशन प्लान इसमें बढ़ने में। तो जब तक हम सारी चीज़ों को अहाता नहीं करेंगे, हमारे पॉपुलेशन प्लानिंग के क्या मसाइल हैं उनको देखें, हमारे कितने हॉस्पिटल्स, कितने उसके लिए आबादी के लिए कितने चाहिए उसको देखें, हमारे साफ पानी के क्या मसाइल हैं उसको देखें, हमारे एनवायरनमेंट आपने देखा कि तबाह बर्बाद है एनवायरनमेंट उसको देखें, ये सारी चीज़ें मिलकर ये बीमारियाँ पैदा कर रही हैं। एनवायरनमेंट, साफ पानी, आपकी जो खुराक है उसमें सफाई नहीं है, गंदे नालों के ऊपर सब्जियां बिक रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखें, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। हमारे पास अभी भी हम गवर्नमेंट से किसी बीमारी का डेटा मांग लेना तो उनके पास अभी तक कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हमें एग्जैक्ट कोई फिगर दे सकें। अभी तक उनके पास डिजीज का डेटा ही कलेक्शन सेंटर ही नहीं है, मतलब उनको पता नहीं है कि पंजाब में या लाहौर में कितने लोग इस बीमारी से जहाँ बाग हो रहे हैं, कितने लोग इनसे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग फलां बीमारी से हो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बना सके, डाटा कलेक्शन सेंटर वो नहीं बना सके, कि जब तक इनको पता नहीं चलेगा कितना लोग सफ़र करते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, सबसे तेज़ी से कौन सी बीमारी फैल रही है, इसको कैसे रोकना है, क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। सबसे जो इम्पोर्टेंट वही बात जो MDR उसकी हो रही थी XDR टाइफाइड की, कि सन 2009 से लेके 2014 तक जस्ट 5 केसेस हुए इन एरियाज में, हैदराबाद और कराची में। 2016 और 17 में 8,000 केसेस हुए, आपको आउटब्रेक जो पहली आउटब्रेक हुई इसके हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है ना, क्योंकि मैं आज डिस्कशन कर रही थी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, वरना मुझे भी नहीं पता। एक कॉमन आदमी को, एक लेमैन को नहीं पता कि क्या बीमारी है, इसके हवाले से क्या इकदाम किए गए, और अगर ये 2009 से है तो अब तक जब तक केसेस ज्यादा बढ़ने गए तब तक अवेयरनेस भी नहीं, कोई अवेयरनेस। अब देखे ना, आउटब्रेक हुई है पहली दफा दुनिया में, पूरी दुनिया में पहली दफा यहाँ पे आउटब्रेक हुई है। अमिला, अगर हम जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको हम यूरोप का देखें या एडवांस कंट्रीज का देखें, तो उनमें बकायदा तौर पे हेल्थ एजुकेशन के सब्जेक्ट हैं, वहाँ पे डिजीज़ के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, उनको बचाया जाता है, बताया जाता है कि जो बेसिक ये जो स्ट्रीमलाइन की जो डिजीज़ हैं इनकी प्रिवेंशन क्या है, अगर ये होता है तो मदर एंड चाइल्ड दोनों को अवेयर हो कि इससे हमने कैसे नबरदमा होना है। ये सारी चीज़ें हैं, जब तक चूँकि आप जितनी मर्जी आप एडवर्टीजमेंट कर लें, अब हमें पता है ये हमारा जो लाइफस्टाइल है ये अब नहीं चेंज हो सकता। जो छोटे बच्चे हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको बीमारियों से आगाही फ्राहम करने की ज़रूरत है कि अगर आपने बाहर से कोई गंदा जो गोला होता है वो लेके खाना, या कोई आपने इमली लेके खानी तो उससे क्या, उससे इन्फेक्शन। माँ बाप को एजुकेट, असल में माँ बाप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, स्कूलों में खासतौर पर माँ बाप आएँ और माँ बाप को भी बताया जाए कि आपने अपने बच्चों को साफ़ गजाएँ देनी है, इन इन चीजों से बचाना है और ये चीजें देनी है, और पानी को खास तौर पे गंदगी से शुरू, टाइफाइड, ये जो हेपेटाइटिस ए है जो बहुत बड़े मास पैमाने पे होती है, और हेपेटाइटिस ई है जो बहुत ज्यादा हमारे, आप देखना यरकान की आम पाई जाती है, ये सारी एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है, और ये सारी
गंदगी की वजह से पैदा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि मुझे ब्रेक लेना चाहूंगी, आज के टॉपिक ये हम जो टाइफाइड बग उसके हवाले से बात करें, बग टाइफाइड के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें। जी, मैसेज बहुत जरूरी है कि टाइफाइड के हवाले से कि आप वैक्सीनेशन कराएं। टाइफाइड एक प्योरली प्रिवेंटेबल डिजीज है। पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको ये बीमारियां नजर नहीं आती, तो क्या वहां पे जरासीम नहीं? वहां भी हैं, लेकिन वो लोग अपनी प्रिवेंशन कर लेते हैं। एक तो सारी सफाई रखते हैं, सैनिटेशन रखते हैं, और उसके अलावा वो प्रिवेंशन के जो इंजेक्शंस हैं इसके टाइफाइड के, वो लगवाते हैं। अगर पाकिस्तान में दो तीन चीज़ों पे गौर कर लिया जाए, एक हम अपना साफ पानी दें पीने के लिए, लोगों को समझाएं कि पानी उबाल के पिएं। नंबर दो, जो चीज़ें खानी हैं वो घरों में पकाएं, यूटेंसिल्स साफ़ सुथरी रखें, आपकी सब्जियाँ फल फ्रूट धो के इस्तेमाल करें अच्छी तरह, और गंदा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका भी। जनाब, आज टाइफाइड बग वायरस के हवाले से हमने आपको बताया कि किस तरह से आपने प्रिवेंशन करनी है, इसके हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी भी है, पर एज ए पेरेंट, एज ए नेशन, आप खुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए खुद से भी अवेयर हों इन चीज़ों से। आपके पास अच्छे जो कह लें सोशल मीडिया एक अच्छा फॉरम है, इंटरनेट है, आप वहाँ पर जाएं सर्च करें, क्योंकि ये जो बीमारियाँ ये आने वाली कई जनरेशन के लिए भी खतरा बन सकती हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मिर्जा गालिब के हवाले से हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज उनकी 150th जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।